रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की ओर, फरीदाबाद से आ रही है बड़ी खबर। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। बता दें आपको, पुलिस के जवानों पर हमला किया गया है। हमले में दो जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरोपी को पकड़ने दरअसल पुलिसकर्मी यहां पहुंचे थे। आरोपी सहित पांच लोगों ने हमला किया है और लाठी डंडे और तेज धार हथियार से हमला किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। तो बता दें आपको, आरोपी सहित पांच लोगों ने हमला किया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लाठी डंडे और तेज धार हथियार से हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद से बदमाशों के हौसले होते बुलंद। फरीदाबाद का ये वाकया जहां पर पुलिस पर ही हमला कर दिया बदमाशों ने, पुलिस के जवानों पर यह हमला किया है, जानलेवा हमला किया गया। हमले में दो जवान गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें आपको, आरोपी को पकड़ने पहुंचे थे पुलिसकर्मी जिन पर ये हमला किया गया है। तो पांच लोगों ने हमला किया, आरोपी सहित पांच लोगों ने हमला किया है। जानकारी जो मिल रही है, लाठी डंडे और तेज धार हथियार से हमला किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हुए हैं, तेज धार हथियार से हमला किया गया है। पुलिस पार्टी पर दो जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आरोपी सहित इन हमलावरों ने ये इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस पर ही जानलेवा हमला किया है। दो जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं इस हमले में। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है, आरोपी सहित पांच लोगों के खिलाफ, पांच लोगों ने यह हमला किया है आरोपी सहित। तो और फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर।